खबरें फटाफट में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। कांगड़ा जिला की पौंग झील किनारे खाली पड़ी वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर प्रतिबंध के बावजूद हो रही खेती, नहीं हो रही कार्रवाई। जिला कुल्लू की आनी क्षेत्र के आराध्य गणपति देवता शमशरी 33 गांव के दौरे पर, सतराला मेले की धूम। कांगड़ा में रामलीला का मंचन, 1 अक्टूबर से रामलीला स्टेज की विधिवत पूजा अर्चना। कांगड़ा के नगरोटा सूर्य क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढों की भरमार, गाड़ियां चलाना जोखिम भरा। धर्मशाला के खनियारा से पुलिस ने महाराष्ट्र के नकली एनसीबी अधिकारी को किया गिरफ्तार, बर्गर कंपनी में 3 अगस्त से कर रहा था काम। कुल्लू में जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने संभाला कार्यभार, बोले आम आदमी तक पहुंचाएंगे सरकार की कल्याणकारी योजनाएं। हमीरपुर में बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू, कार्यशाला में शिक्षकों को विस्तार से दी जाएगी जानकारी। करसोग में एसडीएम से मिले पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान व पंच, मांगे उठाई, उपायुक्त को भेजा ज्ञापन। कुल्लू में पुलिस ने हरियाणा की गाड़ी से बरामद किया चिट्टा, तस्कर गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। चिंतपूर्णी टैक्सी यूनियन ने विधायक सुदर्शन सिंह बबलू को बताई समस्याएं, विधायक ने यूनियन को दिया समाधान का भरोसा। बिलासपुर जिला का सबसे बड़ा पावर स्टेशन एम्स कोठीपुरा में बनेगा, कांगू से सीधा कोठीपुरा तक बिछेगी 18 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन। बिलासपुर के घुमारवी में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने समस्याओं पर किया विमर्श, आशा वर्कर के शोषण पर दी घेराव की धमकी। डीएलएड की काउंसलिंग आज से 18 सितंबर तक चलेगी, काउंसलिंग के लिए प्रदेश भर से 2500 छात्रों ने किया था आवेदन। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।